Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो टुडेज वीडियो इज ऑन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो डेफिनेटली आपको इक्विपमेंट्स के नाम पता होने चाहिए जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे एक्सकेवेटर्स के बारे में कि कौन कौन से एक्सकेवेटर्स होते हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेस एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये वीडियो पहला पार्ट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का, और भी पार्ट्स आएंगे। तो इस पार्ट में हम एक्सकेवेटर्स के बारे में देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आफ्टर दिस वीडियो यू विल कॉल ऑल द एक्सकेवेटर्स विद देयर नेम्स, नॉट विद अ कॉमन नेम दैट इज JCB। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ एक्सकेवेटर्स। हमारे पास 7 तरीके के एक्सकेवेटर्स हैं, तो इसमें हमने शॉवल्स भी लिए हैं। तो जो पहला है वो है पावर शॉवल, सेकेंड वन इज अ ड्रैग लाइन, थर्ड वन इज अ क्लैम शेल, फोर्थ इज अ बैकहो और बैकहो लोडर, फिफ्थ इज अ हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, सिक्स्थ इज अ बकेट व्हील एक्सकेवेटर एंड सेवेंथ इज अ सक्शन एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर आर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ बूम, डिपर, bucket and a cab on a rotating platform, and all these mounted on a either crawler or a rubber wheels. It is majorly used for digging. जो जमीन को खोदता है उसे हम excavator बोलते हैं। तो ये किस किस चीजों से बना होता है? तो सबसे पहले तो इसमें एक boom होता है, इसमें एक dipper होता है, इसमें bucket होता है जो खोदता है, boom होता है जिससे bucket attach होता है, एंड एक कैब होती है जहां पे ऑपरेटर बैठता है, और ये सारा कुछ या तो क्रॉलर या रबर व्हील्स पे माउंटेड होता है। मतलब आपने टैंक देखी होगी जो आर्मी यूज करती है टैंक, तो वो क्रॉलर टैंक होते हैं। तो उसी तरीके से या तो क्रॉलर बेस्ड या फिर व्हील बेस्ड, दो तरीके के एक्सकेवेटर्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पावर शॉवल से। तो पहला है हमारा पावर शॉवल। तो पावर शॉवल इज अ बकेट इक्विप्ड मशीन, usually electrically powered. Power shovel are used for excavation, mining operation and for mineral extraction. Shovel is directed outward and usually used for digging above ground. It can be crawler mounted or wheel mounted. हाँ जी, तो power shovel क्या होता है? बहुत ही easy है ये। इसमें एक bucket attach होता है, ये electrically powered होता है, और उस bucket की help से हम digging करते हैं, एंड ये मेनली मिनरल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग पर्पज में यूज होता है। और जो इसको बाकी इक्विपमेंट से डिफरेंट करता है वो ये है कि इसका जो बकेट है और जो बूम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इसकी बकेट है, तो ये जो बकेट है इसका जो फेस है वो आउटवर्ड साइड है, तो इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस वे। वो यहां से स्टार्ट होता है एंड देन ऐसे जाता है ऊपर की साइड, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और ये अबव द ग्राउंड डिगिंग करता है। ये इसका सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये इसके बिलो नहीं जाता है, ये ऊपर के सरफेस को डिग करता है। इसमें जो पिक्चर दिखाई है ये क्रॉलर माउंटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे ये क्रॉलर है और ये क्रॉलर के ऊपर माउंटेड है। ये इसका कैबिन है, ऑपरेटर्स कैबिन है, ये आपका बूम है, ये रोप है, बूम सस्पेंशन रोप, देन ये डिपर है, इसको डिपर बोलते हैं बकेट को, देन ये डिपर हैंडल है जो इस डिपर को हैंडल कर रहा है, देन ये रोप है जो डिपर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इस पुली के साथ अटैच होता है। देन कमिंग टू दिस पार्ट, ये काउंटर वेट होता है, इसको बैलेंस करने के लिए होता है। दो तरीके के शॉवल हैं, एक ये छोटा है साइज में और एक ये बड़ा शॉवल है। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है पावर शॉवल और बाकी मशीन्स में वो ये है कि इट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड यूजुअली डिग अबव द ग्राउंड, तो ये आउटवर्ड साइड की मूवमेंट करता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। लेट्स सी द पिक्चर। सो दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ अ पावर शॉवल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट है हमारा ड्रैग लाइन। A dragline excavator is a piece of heavy equipment used in a civil engineering and surface mining. A dragline bucket system consists of a large bucket which is suspended from a boom, a truss-like structure with wire ropes.
The bucket is maneuvered by means of number of ropes and chains. Major function is to drag the material towards the operator. Useful for underwater excavation and for soft soil. Drag line एक heavy equipment है जो कि civil engineering और mining दोनों के purpose में use होता है और इसमें एक bucket attach होता है जो कि boom के साथ suspended होता है. Right side corner में एक picture देख सकते हैं, ये इसका boom है, ये trusses से मिलके बना है और इसमें बहुत सारे wires और ropes attached हैं. तो मैं इनका यूज बताता हूँ आपको कि इसका वायर्स का और रोप्स का क्या यूज है. ये एक डायग्राम है जिसमें कि ये बूम के साथ ये हॉइस्ट केबल अटैच है, ये पुली के साथ ये हॉइस्ट चेन अटैच है, देन ये रोप अटैच है, ये एक डंप केबल अटैच है. तो एक्चुअली होता क्या है कि जो इसका बकेट है वो ऊपर से, साइड से और सामने से, तीनों साइड से चेन और रोप से अटैच होता है. तो एक्चुअली ये सारे रोप्स और चेन्स जो है वो इसकी मूवमेंट के लिए होता है. तो ये जो बकेट है इसकी मूवमेंट टूवर्ड्स द ऑपरेटर्स होती है, इसकी मूवमेंट आउटवर्ड नहीं होती है. जैसा मैंने शॉवल में अभी बताया कि उसकी मूवमेंट आउटवर्ड होती है पर इसकी मूवमेंट इनवर्ड होती है. तो इसकी मूवमेंट, जैसे ये बकेट है तो इसकी मूवमेंट इस साइड होती है टूवर्ड्स द ऑपरेटर्स कैबिन. तो इसका ज़्यादातर यूज अंडर वाटर एक्सकेवेशन में होता है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ पिक्चर. सो दिस इज अ रियल ड्रैग लाइन. तो आप देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से यूज किया जा रहा है. मूविंग टू द नेक्स्ट. सो दिस इज क्लैम्प शेल. सो क्लैम्प शेल एंड ड्रैग लाइन आर सेम इन स्ट्रक्चर, ओनली डिफरेंस इज ऑफ बकेट. इन क्लैम्प शेल बकेट टू शेल आर पिन जॉइंट एट द सेंटर ऑफ द बकेट सो दैट ऑपरेटर कैन ओपन और क्लोज द बकेट व्हेन रिक्वायर्ड. बकेट इज सेम एज क्लैम्प फिश. Clamshell are used for loading and unloading in vertical plane during excavation. Also to handle loose materials such as sand, gravel and crushed stone. It is suitable for pile driving, RMC plant and crusher plant. हाँ जी, तो जो clamshell है इसका नाम एक clam fish के ऊपर पड़ा है. तो you can see in this picture, ये left hand side में corner में जो picture है ये वो fish है. Same इसी तरीके से जो क्लैम शेल का बकेट होता है उसकी ओपनिंग भी इसी तरीके से होती है, इसीलिए इसका नाम क्लैम शेल है. एंड ये बिल्कुल सिमिलर होता है ड्रैग लाइन की तरह इसका स्ट्रक्चर. तो सिर्फ जो डिफरेंस होता है ड्रैग लाइन और क्लैम शेल में वो बकेट का ही डिफरेंस होता है. ये है क्लैम शेल का बकेट. इसमें दो बकेट अटैच होते हैं विद अ पिन जॉइंट. सेंटर में वो पिन जॉइंट होता है जो कि इस बकेट की ओपन और क्लोज मूवमेंट को कंट्रोल करता है. क्लैमशेल का यूज होता है वर्टिकल लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए. इसका सबसे ज्यादा यूज पाइल ड्राइविंग और आरएमसी प्लांट में होता है. सो होप आप समझ गए होंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सेम स्ट्रक्चर है एज अ ड्रैग लाइन, बस डिफरेंस बकेट का है. ड्रैग लाइन में डिफरेंट बकेट यूज होते हैं. लुक ऑन अ पिक्चर. सो दिस इज अ रियल क्लैमशेल. एंड वन मोर थिंग, ये दो तरीके के क्लैमशेल आपको दिख रहे होंगे. पहला जो है वो आपका ड्रैग लाइन के स्ट्रक्चर की तरह है जिसमें कि ट्रस स्ट्रक्चर का बूम है. एंड जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक आर्म. तो ये जो आर्म दिख रहा है आपको ये टेलीस्कोपिक आर्म बोला जाता है. तो दिस टेलीस्कोपिक आर्म कैन बिकम लॉन्गर अकॉर्डिंग टू द नीड. तो ये तो हमने पिक्चर्स देख ली. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज बैकहो और बैकहो लोडर. एक्चुअली बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम ही चीज है. इसमें बस एक लोडर का डिफरेंस है. जो बैक हो होता है अगर आप उसमें लोडर अटैच कर देते हैं तो वो बैक हो लोडर बन जाता है. और इसकी सीट 360 डिग्री मूव करती है ताकि ऑपरेटर दोनों साइड ऑपरेट कर पाए. इफ ही वांट टू ऑपरेट इन फ्रंट साइड तो वो फ्रंट लोडर को ऑपरेट कर पाए और अगर वो बैक हो को यूज करना चाहे तो वो बैक हो को यूज कर पाए. तो इसका नाम बैक हो इसके डिगिंग स्टाइल से आया है क्योंकि ये बैकवर्ड डिग करता है. ये पावर शॉवल से बिल्कुल डिफरेंट है. पावर शॉवल आउटवर्ड डिग करता है, ये इनवर्ड डिग करता है. तो ये ऑपरेटर्स कैबिन की तरफ डिग करता है. इसको आप बैकवर्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं. तो ये जो बकेट है ये एक बैकहो के साथ अटैच है. तो दिस इज कॉल्ड द बैकहो. एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, दो जगह से इसकी मूवमेंट होती है, दो जॉइंट्स है और ट्रैक्टर के फ्रंट साइड पे लोडर अटैच है. तो इसलिए इसको हम बैकहो लोडर बोलते हैं. अगर इसमें से आप ये लोडर हटा देते हैं तो ओनली ये बैकहो बचता है. तो लेट्स सी द पिक्चर.
सो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ अ बैकहोल लोडर। इसका यूज आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, हर जगह इसका यूज होता है, पीपल यूज टू कॉल इट जेसीबी। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। तो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर वो होता है जो हाइड्रोलिक पावर मैकेनिज्म से चलता है एंड इट इज यूज फॉर द एक्सकेवेशन पर्पस। ये हैवी एक्सकेवेशन में यूज होता है। ऑल्सो ये मशीन या तो क्रॉलर बेस्ड हो सकती है या व्हील बेस्ड हो सकती है, दोनों तरीके की होती है, पर मेजरली ये क्रॉलर बेस्ड होती है। तो इसका जो क्रॉलर के ऊपर जो कैप होता है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। बैकहोल लोडर से बड़ा होता है साइज में, इसका जो बकेट होता है और इसकी कैपेसिटी भी बैकहोल लोडर से ज्यादा होती है। इसके बूम में हाइड्रोलिक सिलेंडर अटैच होता है, वो इसके बूम आर्म और बकेट की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी रीच कितनी होती है, इसकी डिगिंग रीच कितनी है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ पिक्चर। सो दिस इज आवर ओरिजिनल एंड रियल हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। इसका साइज काफी बड़ा होता है बैकहो से और इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। जैसा मैंने बताया, आप इस बकेट को देख सकते हैं, इट इज टोटली ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। आप ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोलिक पिस्टन्स लगे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। ये जो आप इस पिक्चर में ये नीचे ये बेस देख सकते हैं जो क्रॉलर के ऊपर है, ये 360 डिग्री मूव करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज अ बकेट व्हील एक्सकेवेटर। हाँ जी, तो बकेट व्हील एक्सकेवेटर बहुत कम लोगों ने देखा होगा आई एम श्योर, और ये बहुत ही कम जगह पे यूज भी होता है क्योंकि इसका जो यूज है वो बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। इसका यूज बहुत हैवी माइनिंग एंड बहुत हैवी एक्सकेवेशन के लिए यूज किया जाता है। दे यूज देयर कटिंग व्हील्स टू स्ट्रिप अवे अ सेक्शन ऑफ अर्थ। द बकेट व्हील इज अ लार्ज व्हील ऑफ अ लार्ज साइज विद डिफरेंट स्कूप कॉन्फ़िगरेशन। दीज कॉन्फ़िगरेशन कैन रोटेट एंड आर अटैच्ड टू अ बूम। द कटिंग व्हील पिक अप द मटेरियल एंड ट्रांसफर देम बैक अलोंग इट्स बूम। डायमीटर ऑफ द व्हील इज 22 meters। हाँ जी, तो जो ये बकेट व्हील होता है ये काफी बड़ा अटैचमेंट होता है। उससे आगे जो बकेट होता है वो एक व्हील फॉर्म में होता है, उसको हम बकेट व्हील कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी बकेट व्हील एक्सकेवेटर है। वो जो बकेट व्हील होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। यहाँ पे मैंने डायमीटर भी लिखा है, डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 22 meters। जो मैक्सिमम डायमीटर है वो 22 meters है, कैन बी बिटवीन 12 meters to 22 meters। तो जो बकेट व्हील होता है उसमें स्कूप्स अटैच होते हैं और वो डिफरेंट तरीके के स्कूप्स होते हैं। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर सकते हैं, वो रिप्लेस हो सकते हैं स्कूप। तो वो कॉन्टिन्यूसली डिक करते हैं, जो डेब्रीज उसमें से निकलता है वो बूम में जाता है और बूम में कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है आगे। एंड आई वॉन्ट कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। उस वीडियो के बाद आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वॉट इज बकेट व्हील एक्सकेवेटर एंड इसका फंक्शन कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए देख लेते हैं उस वीडियो को।
होपफुली उस वीडियो को देखने के बाद आपको बकेट व्हील एक्सकेवेटर की वर्किंग बहुत ही क्लियर हो गई होगी। तो अभी ये पिक्चर देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पिक्चर है, तो ये जो पिक्चर है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बकेट व्हील एक्सकेवेटर है। सो मूविंग टू आवर लास्ट एक्सकेवेटर, दैट इज सक्शन एक्सकेवेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्यूम एक्सकेवेटर। अ सक्शन एक्सकेवेटर प्रोड्यूस पावरफुल सक्शन थ्रू अ वाइड पाइप ऑफ डायमीटर अप टू 30 सेंटीमीटर विच कंटेन शार्प टीथ एट द एज। एक्सकेवेटर फर्स्ट रिलीज अ वाटर जेट टू लूजन द सॉइल, देन क्रिएट अ वैक्यूम दैट कैरीज अवे सॉइल एंड डेब्रीज अप टू 200 माइल्स पर आवर। अ सक्शन एक्सकेवेटर इज आइडियल फॉर अंडरग्राउंड वर्क। हाँ जी, तो जो इसका पाइप होता है जिसे हम ग्राउंड के अंदर डालते हैं, उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर का होता है और उस पाइप के एज पे शार्प टीथ्स लगे होते हैं जिसकी वजह से वो डिग कर पाता है। एंड सक्शन से पहले वाटर जेट से जो ग्राउंड सरफेस है उसको लूज किया जाता है, उसके बाद उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, देन उसको 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से उस डेब्रीज और सॉइल को सक करते हैं। और वो जब सक होता है वो एक चैम्बर में जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड वाली जो पिक्चर है उसमें आपको दिखाया है, ये पाइप है और इसमें ब्लू एरोज देखिए आप, इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू यहाँ से सॉइल और डेब्रीज अंदर जाते हैं इस चैम्बर में, और जो एयर होता है वो ऊपर वाले चैम्बर से होता हुआ और इस साइड से यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है, वो शायद आपको विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे माइक्रो फिल्टर्स लगे हैं, उस फिल्टर से ये एयर जो है वो फिल्टर होता है एंड देन उसके बाद यहाँ से फैन के थ्रू ये वापस एयर बाहर निकलती है, फ्रेश एयर फिल्टर होने के बाद। इसके यहाँ पे फैन है जो कि एयर को बाहर रिलीज करता है और अंदर सक करता है। देन साउंड एब्जॉर्बिंग यूनिट है ताकि जो सक्शन के टाइम पे नॉइज पॉल्यूशन ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं मैन इज ऑपरेटिंग विद अ रिमोट, इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से। तो ओवरऑल ये इसका कुछ मैकेनिज्म है, ये इसका प्रोसेस है सक्शन एक्सकेवेटर का, ये इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो इसकी पिक्चर देख लेते हैं। तो दिस इज अ रियल सक्शन एक्सकेवेटर, तो इस तरीके से होता है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये एज पे इसके देख सकते हैं टीथ है, शार्प टीथ है जिसकी वजह से ये ग्राउंड के अंदर जाता है। देन यहाँ पे चैम्बर है इसके अंदर, देन यहाँ ऊपर से यहाँ पे एयर रिलीज हो जाती है अंदर से। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद अब आप दूसरे लोगों की तरह सारे एक्सकेवेटर्स को जेसीबी नहीं बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन एंड हिट द बेल आइकन।